आज कुछ न्यूमेरिकल गेट की ओर देखते हैं। कल मैंने जो है एक वीडियो डाला था जिसमें गेट 2018 की सेकंड पेपर के न्यूमेरिकल थे और करीब उसमें भी 7 to 8 मार्क्स का सॉम के क्वेश्चंस आए हुए थे, लेकिन जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो काफ़ी ईजी थे, इसलिए उन्हें डिस्कस नहीं कराया। आज हम मैकेनिकल का फर्स्ट पेपर देखते हैं, 2018 का ही, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, इसे आप ज़रूर देखें। तो न्यूमेरिकल देख रहे हैं, ये सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ विड्थ 100 mm कॉमा हाइट 200 mm एंड लेंथ 4 मीटर इज कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इंटेंसिटी 10 kN/m। द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन मेगा पास्कल इन बीम। ये डेटा फिलिंग वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड आउट करनी है और बीम आपको दी गई है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम दी गई है जिसके ऊपर UDL जो है 10 kN/m का लगाया गया और टोटल स्पैन की जो लेंथ दी है वो 4 मीटर दी है और इसका जो सेक्शन दिया है आपको रेक्टेंगुलर सेक्शन दिया है, ये आपको दिख रहा होगा रेक्टेंगुलर सेक्शन। इसकी जो विड्थ है वो 100 mm है और डेप्थ जो है 200 mm। तो जब आपको बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड आउट करेंगे तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आप तो सॉम पढ़ चुके हैं, तो ये पढ़ा होगा कि जो बेंडिंग स्ट्रेस निकालते हैं तो उसमें बेंडिंग मोमेंट जो यूज़ करते हैं वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बीम के अंदर होना चाहिए। तो अब आप इस बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो बनाएंगे नहीं, वहाँ टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो आपके लिए ज़रूरी है कि कुछ बीम्स के लिए बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट याद करके रखें। तो हम कुछ केस ले लेते हैं। पहला केस है हमारा, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसमें मिड में लोड लगा है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा ये आप रट के रखें। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा WL/4। याद रखने का तरीका क्या है, आप लोड W लें, LY2 डिस्टेंस मल्टीप्लाई करें, LY2 डिस्टेंस मल्टीप्लाई करें और टोटल लेंथ L से डिवाइड कर दें तो WL/4 आ जाएगा, ये याद करने का तरीका है। दूसरा केस आपके पास ये हो सकता है कि कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर मिड में लोड लग के ए डिस्टेंस पे लगा है, इस एंड से और इस एंड से बी डिस्टेंस पे और टोटल लेंथ इसकी एल है, तो उस केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, WA×B/L। यानी कि सेम तरीके से इसे याद रख सकते हैं, डब्लू लिया, ए से मल्टीप्लाई किया, डी से मल्टीप्लाई किया और टोटल लेंथ एल से डिवाइड कर दिया। तीसरा केस आपके पास हो सकता है जो कि अभी इस न्यूमेरिकल में है, कि आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, टोटल UDL लगा है ओमेगा और टोटल लेंथ एल है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, ω L²/8। ठीक है, और आपके पास क्या हो सकता है केस, आपके पास हो सकता है कि आपके पास कोई ये बीम हो, सिंपली ये कैंटिलीवर बीम है और पॉइंट लोड लगा है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इसको केस में P×L और वो कहाँ पे होगा, फिक्स एंड पे होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पे आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे UDL लगा है इस पर कैंटिलीवर बीम पे तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा ω L²/2। तो ये केस आप 3-4 याद करके रखेंगे। अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं, तो इस न्यूमेरिकल के अंदर देखो आप, सिंपल कैलकुलेशन है, आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो क्या हो गया, ω L²/8, ओमेगा की वैल्यू 10 दी है, एल आपका 4² 8 क्या आ गया, 20 kN/m में। हम मैंने आपको बताया था कि सॉम के अंदर साइड डायमेंशन मिलीमीटर में यूज़ करो आसान रहेगा, तो न्यूटन मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो 10³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या हो गया, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या हो गया, 20×10⁶ न्यूटन मिलीमीटर। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, 1/12 B×D³³। अब बेंडिंग इक्वेशन अप्लाई करो, m/i = σb/y, तो यहाँ से σb = m/y, अब m की वैल्यू 20×106×12/100×100³³×100, तो आपका ये 30 MPa आ गया। तो ये न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए बेनिफिशियल है, आप इसे याद जरूर कर लें, इसके जो हमने जो भी बीम्स के ऊपर बेंडिंग मोमेंट याद रखने के लिए कहा है वो जरूर याद करें, ये एग्जाम में डायरेक्ट आपको यूज़ करने पड़ेंगे। ओके, अब ये सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं, इस न्यूमेरिकल को मैं एक बार आपको समझा दूँ, ये भी गेट 2018 का न्यूमेरिकल है और 2 नंबर का न्यूमेरिकल है, कि कोई कारपेंटर है, उसके पास 2 बूटिन ब्लॉक हैं, ये तो पहला ब्लॉक है, ये सेकंड ब्लॉक है, 2 ब्लॉक हैं, और उसने क्या किया कि ये इंटरफेस है और किसी ग्लू की हेल्प से, बॉन्ड की हेल्प से उसे यहाँ चिपका दिया, उसने ये वर्टिकल से एंगल बताया कि 30 डिग्री है और बताया कि यूनियन एक्सियल स्ट्रेस जो है 4 MPa लग रही है, ये 31 क्वेश्चन है फर्स्ट पेपर का। तो वो ये कह रहा है कि 2 क्राइटेरिया हैं इसके फेल होने के, क्राइटेरिया 1 है कि दी मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस एक्सीड्स 2.5 MPa, अगर जो
इस इंक्लाइंड सरफेस पे मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस 2.5 से मेगा पास्कल से ऊपर हो जाएगी तो ये फेल हो जाएगा। क्राइटेरिया टू है कि द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एक्सीड 1.5 मेगा पास्कल, अगर 1.5 मेगा पास्कल से ऊपर होगी तो फेल हो जाएगा। तो पूछ रहा है क्या क्राइटेरिया वन सही है, क्या क्राइटेरिया टू सही है, या दोनों क्राइटेरिया सही है, या दोनों में से कोई सही नहीं है। तो हम क्या करें, हम नॉर्मल स्ट्रेस निकालें। तो नॉर्मल स्ट्रेस निकालने का आपके पास फॉर्मूला था, आपने वो देखा होगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई टू कॉस टू थीटा इन द एब्सेंस ऑफ शियर स्ट्रेस। अब इसमें सिग्मा वाई भी जीरो है, केवल सिग्मा एक्स है, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है। याद रख लें, कुछ चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा, इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप गेट के पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, सिग्मा एक्स फोर रख दिया, कॉस थीटा थीटा की वैल्यू 30 रखती तो 3 मेगा पास्कल आया। तो नॉर्मल स्ट्रेस आपकी मैक्सिमम 3 मेगा पास्कल आ गई। अब ये 3 मेगा पास्कल आ गई, इसका मतलब ये 2.5 से ज़्यादा है, तो क्राइटेरिया 1 के अकॉर्डिंग ये फेल हो जाएगा। तो क्राइटेरिया 1 के अकॉर्डिंग फेल हो जाएगा। सी एस एस निकालें तो सी एस एस क्या होगी, सिग्मा एक्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसमें आपको सिग्मा एक्स रख दिया, साइन थीटा कॉस थीटा रख दी, तो ये 1.73 मेगा पास्कल आई, तो ये भी 1.5 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब सेकंड क्राइटेरिया के हिसाब से फेल हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट है, दोनों क्राइटेरिया के हिसाब से ये फेल हो जाएगा। ओके, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका कंपाउंड स्ट्रेस का क्वेश्चन है, इसे और देखते हैं जरा। द स्टेट ऑफ, ये आपका दिया है, द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट ए पॉइंट फॉर ए बॉडी इन ए प्लेन स्ट्रेस इज शोन इन फिगर बिलो। इफ द मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इज 10 किलो पास्कल देन द नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा वाई। इस न्यूमेरिकल के अंदर आपको सिग्मा एक्स दिया है, ठीक है, सी एस एस दिया है, क्योंकि सी एस एस दिया है, और आपको सिग्मा टू की वैल्यू दी है, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस 10 किलो पास्कल। तो आपसे कहा है सिग्मा वाई फाइंड आउट करने के लिए, तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं, सिग्मा टू इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड टू माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। अगर इसमें आप सिग्मा वाई को 10 रखते हैं और फिर 100 प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई टू रखते हैं माइनस अंडर रूट 100 माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई टू का होल स्क्वायर प्लस 50 का होल स्क्वायर रखते हैं और कैलकुलेट करते हैं, तो ये काफ़ी लंबी इक्वेशन बन जाएगी, आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या करें, आपके लिए आसान है कि आप इटरेशन का यूज़ करें, इटरेशन को भी दिमाग से यूज़ करें, अदरवाइज आपको बहुत टाइम लग जाएगा इटरेशन करने में। ध्यान रखें, जब भी कभी सिग्मा एक्स की किसी न्यूमेरिकल वैल्यू में 150 मेगा पास्कल दी गई होगी तो सिग्मा वाई हमेशा 75 से लेकर 100 के 100 मेगा पास्कल के आसपास दी गई होगी। अगर सिग्मा एक्स 100 मेगा पास्कल है तो सिग्मा वाई की 50 से 70 के बीच में होगी, 50 70 40 ऐसा इसी के आसपास होगी, तो बहुत लोअर वैल्यू नहीं होगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि 10 हो जाए 20 हो जाए। तो आप ध्यान रखें कि इन दोनों में सी और डी में से एक ऑप्शन हो सकता है, आप दोनों को इटरेशन रख के देखें तो आप देखेंगे कि जब आप सिग्मा वाई की वैल्यू 37.78 रख रहे हैं तो सिग्मा टू 10 किलो पास्कल आ जा रहा है, तो इसका मतलब आपका ये ऑप्शन जो है सी राइट है, आप इस मेथड को यूज़ करें। ओके, इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको कैलकुलेशन ही करनी हो, आपको आनी चाहिए हर चीज़, लेकिन कब आपको कैलकुलेशन और कब इटरेशन यूज़ करना, ये आपको अपने दिमाग से यूज़ करना। ओके, थैंक यू।